यूपी बिहार के लोग जहां होते हैं छा जाते हैं, और शायद यही खासियत थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली में लगे मेले में गए तो भाई वहां बिहारी व्यंजन खाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। बड़ा ही कम टाइम होता है, बड़ा ही कम का प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, कहीं जाते हैं बड़ा तय टाइम रहता है, और उस तय टाइम में उनको क्या क्या करना रहता है ये सारा कुछ सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ होता है तो उनके सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है। तो आइए हम आपको आज कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपका दिल जीत लेंगे। भाई बिहार का बाटी चोखा कौन नहीं खाना चाहता है, बिहारी व्यंजन का लुफ्त उठाना कौन नहीं चाहता है। और जब इस मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने देखा भाई बिहार के जो झांकी पेश की गई है वो तो सबसे बेहतरीन है, वहाँ व्यंजनों की तो भरमार है, तो अपने आप को इन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से दूर ही नहीं रख पाए हमारे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, आप भी देखिए इस वीडियो में किस तरह से वो बिहारी व्यंजनों का लुफ्त उठा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मेले में यहाँ पर भारत के तकरीबन हर राज्य ने अपनी अपनी चीज़ें, जो अपनी अपनी चीज़ें फेमस है उनको प्रस्तुत किया। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी का दिल आया भी तो किस पे, बिहार के बाटी चोखा पे। वैसे भी कहा जाता है अगर आदमियों का दिल जीतना है तो उनके दिल का रास्ता पेट से गुजर कर जाता है, तो भाई ये कहावत हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर काफी फिट है। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो खाने पीने के मामले में बड़े ही सख्त हैं। आपको तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 9 दिन के नवरात्र में सिर्फ पानी और नींबू शरबत पीकर रहते हैं। तो सोचिए इतने सख्त डाइट प्लान के होते हुए भी प्रधानमंत्री ने न सिक्योरिटी के बारे में सोचा और ना ही ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, बस उनको तो बिहारी व्यंजन बाटी चोखा दिखा और उनका दिल आ गया कि उन्हें खाना है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार वॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।